हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी अपने फिजिक्स में आवश्यकता होती है उतनी बेसिक मैथ, यानी कि उतनी मैथ पढ़ेंगे जो अपने फिजिक्स में आवश्यकता होती है। और बच्चों, इसको प्लीज़ काफ़ी ध्यान से पढ़ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर ली तो मान के चलो 11th का मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी रहेगा। मैकेनिक्स वाला पोर्शन हुआ जो क्या वो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आपने बेसिक मैथ से वेक्टर जैसे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सब आगे की जो मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है ये सब काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि आपने इसको स्किप कर दिया और इसको सीरियसली नहीं पढ़ा तो आपको कंप्लीट 11th की फिजिक्स में दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे पढ़ना यानी कि टीचर्स के लिए भी इतना बेनिफिशियल नहीं होगा और ना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। और नीट और IIT के स्टूडेंट को थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना ज़रूरी भी होता है, उसके लिए आपको बेसिक मैथ पढ़ना ज़रूरी है, ताकि अपन किसी भी चीज़ का डेरिवेशन करेंगे उसको समझने के लिए आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता, बेसिक मैथ की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। ठीक है जी, तो कृपया इसको थोड़ा सीरियसली ले और सीरियसली इसको पढ़े भी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आपको सिंपली बात करूं तो बेसिक मैथमेटिक्स में मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला हूं। जिन बच्चों ने अभी 10th पास आउट की हो तो ट्रिग्नोमेट्री अपन वहां पढ़ते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा और हाई लेवल पे लेके जाएंगे ताकि अपना जो फिजिक्स में जितना भी पोर्शन होता है वो आपका अच्छे से कवर हो सके। उससे रिलेटेड आपको जब आप आगे के जो फर्दर चैप्टर पढ़ो उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है जी, तो बेसिक मैथ और बेसिक मैथ में मैं अगर बात करूं तो अपन पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है जी, तो अपन सबसे पहले बेसिक मैथ में क्या पढ़ने वाले, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को देखकर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये किन किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और इसके जो ये वर्ड है इससे अपन काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो अगर अपन देखें तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ, ट्राई की अगर मैं बात करूँ तो ट्राई मीन्स थ्री, सिंपली ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री। अब गोन जो है ट्रिगोनो में, तो गोनो जो है इसके अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है, साइड्स। ठीक है जी, जो गोन है इसका मतलब क्या होता है, साइड्स होता है। और आगे बात करें मैट्री, मैट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है जी, यानी कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट। अब तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली थ्री साइड्स मेजरमेंट होता है, और इसमें अगर अपन आगे बात करें, देखो इस जो मैथ में जो अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और जो फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उनमें काफ़ी हद तक डिफरेंस होगा। फिजिक्स में अपन वही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो अपने फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स होती है, फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है फिजिक्स में, उतना ही अपन पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा अपने को मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो आगे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल मेजरमेंट, या फिर एंगल मेजरमेंट पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या होता है। अगर आप रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन पता कर पाते, क्योंकि जो मैक्सिमम चीज़ अपने को दी गई होती है आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आना चाहिए, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आना जरूरी है। तो अगर वो कन्वर्जन समझ पाएंगे तो फिर आगे अपन फर्दर और सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अगर मैं बात करूं डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध, डिग्री और रेडियन के बीच के संबंध की बात करें तो आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर आपको काफ़ी अच्छे से डिग्री और रेडियन का बीच का जो संबंध है वो समझ आ पाएगा। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है फिगर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है जी, अब इस सर्कल के बारे में अगर बात करें, आपको बेसिक आइडियाज होंगे सर्कल से रिलेटेड कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, एरिया मतलब क्षेत्रफल एंड सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि,
तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो आप सबको सबको पता होगा कि जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है भाई, 2 पाई आर। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि आर जो क्या होती है, त्रिज्या होती है किसकी, सर्कल की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक आर रेडियस का क्या बना लिया भाई, सर्कल बना लिया, जो कि ये क्या है, सेंटर, और सेंटर का नाम दे दिया मैंने ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक पर्सन है, एक बंदा ले लिया, जो कि क्या कर रहा है, पॉइंट ए जो है इससे चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर एक बंदा जो भी है वो यहाँ से स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, और वो चलता चलता मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट बी पर आ जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट बी पर आ जाता है, तो वो इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, वो जो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में जितना एंगल चल पाया वो मैं मान लेता हूँ कितना, थीटा। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट तक बी तक गया, तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में कितना एंगल मेजर कर पाया, ठीक है, वो क्या कर मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। ठीक है जी, तो थीटा मैंने मान लिया। आगे अगर बात करें तो क्या होगा भाई, बी से चला एंड देन फर्दर कम टू ए, फर्दर कम टू पॉइंट ए, तो जब ये एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा, फिर एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा वो कितना जाएगा भाई, 2 पाई आर। इतना सबको समझ में आना चाहिए कि मैं अगर आप लोगों से बेसिकली पूछूं कि भाई एक बंदा है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, एक बॉय है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वापस से एक चक्कर लगा के पॉइंट ए पर आके रुक जाता है, तो पॉइंट ए पर आके रुक जाता है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा भाई, भाई 1 कंप्लीट। रेवोल्यूशन, तो एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में जो उसने सर्कमफ्रेंस आया उसका, वो जो डिस्टेंस आया वो कितना होगा, 2 पाई आर होगा। समझ में आता है इतना सा। आगे अगर हम बात करें तो 1 कंप्लीट रोटेशन रेवोल्यूशन में, यानी कि पूरा जो चक्कर है, ठीक है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर। आगे अगर मैं बात करूं तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई ये अगर ये पॉइंट ए से गया और पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर ही वापस से आ गया, तो इसने कितना एंगल वो चला, कितना एंगल चलेगा, 360 डिग्री। पहले मैं थीटा की बात करूं, आपने बोला कि भाई ए से चल के वो बी तक आया तो कितना एंगल चला, थीटा चला। अब जब वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा पॉइंट ए के रेस्पेक्ट, तो 90 डिग्री हो गया। जैसे वो ये ऐसे आ जाएगा इधर जस्ट ऑपोजिट, पॉइंट ए के जस्ट ऑपोजिट में आ जाएगा बी पर, तो 180 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जस्ट यहाँ पे पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जब आ जाएगा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो अपन ने एंगल लिया है, इधर जाएगा तो कितना, यहाँ से जो एंगल मेजर करेंगे वो कितना जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ए पर वापस से, तो जो एंगल मेजर किया वो कितना जाएगा, 360 डिग्री। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, एक रिलेशन से कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, आप लोग देखना कि जब ये ए से बी तक गया तो इसने जो ये आर्क बनाया, इसको बोल सकता हूँ आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क ए बी, ऐसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर्क ए बी अपॉन रेडियस। इसको अपन ये भी बोलते हैं क्या, प्लेन एंगल। ठीक है जी, ये थीटा क्या होता है, प्लेन एंगल, क्योंकि जो भी फिगर है, जो भी अपन मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, 2D में कर रहे हैं। अगर ये स्थिर होता, जैसे आप लोगों ने देखा है कि अपन सॉलिड एंगल भी पढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में कि जैसे जैसे सॉफ्टी जो होती है, जो सॉफ्टी वगैरह अपन जो सॉफ्टी वगैरह जो होती है, जो उसमें जो कोण का जो मेजरमेंट होता है वो एक तरीके से सॉलिड एंगल का होता है, यानी कि 3D में मेजरमेंट होता है वो। ठीक है, लेकिन 2D में जो हो रहा है थीटा, ये किसको क्या बोलेंगे, चाप ए बी अपॉन, हिंदी में बोले तो चाप और इंग्लिश में बोले तो आर्क, तो आर्क ए बी अपॉन रेडियस, दैट इज थीटा। और ये क्या कहलाता है, प्लेन एंगल पड़ा है, एंगल कहलाता है। और इसके बारे में अपन और भी डिस्कशन करेंगे बेसिक, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, तब इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, और आगे के लेक्चर्स में भी अपन काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए अपने को जानना जरूरी है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस। ठीक है जी, अब मैं आर्क ए बी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया तो पूरा आर्क कितना हो गया भाई, 2 पाई आर। भाई आर्क कितना जाएगा,
टू पाई आर, और अपॉन क्या है नीचे आर, ठीक है। और यहां पे थीटा की अगर बात करूं, अपन इसको अलग तरीके से अलग से लिख लेते हैं कि भाई अपन ने देखा कि जब अपन ने ए पर ही वापस से आ गए तो थीटा कितना हो गया 360 डिग्री, एंड आर के भी कितना हो गया 2 पाई आर, और रेडियस कितना था आर, तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2 पाई, इसी को बोलते हैं 2 पाई रेडियन, और रेडियन के ऊपर अपन सी से छोटा सा सिंबल रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई रेडियन हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन काट सकते हैं 2 से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन अपने को ध्यान में रखना है कि भाई 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन, पाई रेडियन। देखो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि भाई अगर 5 रुपये में 10 केले मिल रहे हैं, 5 रुपये में कितने केले, 10 केले मिल रहे हैं, तो 1 रुपये में कितने मिलेंगे, आप लोग सोच सकते हैं 2 केले मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या किया आप लोगों ने निकालने के लिए कि मैंने बोला कि 5 रुपये में 10 केले, तो आपको 1 में निकालना था, तो आपने 1 में निकालने के लिए क्या किया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, सिंपली भैया कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया, और 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 में आ गया कि भाई 1 रुपये में कितना केला, 2 केले भाई, 1 रुपये में कितने केले, 2 केले। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप उसे कोई भी कितने में भी पूछा गया हो, कोई भी चीज़ कितने रुपए में भी पूछी गई हो, फिर कितने में भी पूछा गया हो, सबसे तो 1 रुपये में 2 केला मिल रहा था, तो आपको ये जान बात ध्यान में रखनी है कि अगर 1 रुपये में सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ कितने भी निकालनी हो, किस में निकाल लो सबसे पहले 1 में निकाल लो कि वो चीज़ 1 में कितनी आएगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर से सामने वाला कितने में पूछे आपको सिर्फ दोनों तरफ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आप लोगों से पूछा कि 5 रुपये में 10 केले, तो आपने 1 रुपये में निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं आपको वो बोलूँ कि 5 रुपये में 10 केले, तो 15 रुपये में बताओ कितने केले, तो क्या करो सबसे पहले 1 में निकाल लिया, तो 1 में निकालने का क्या 10 / 5 कर दिया तो 2 केले आ गए भाई, 2 केले आ गए, ठीक है। अब आपको मैं बोलूँ 15 में निकालो, 15 रुपये में कितने केले, अब क्या करना है सिंपली कुछ नहीं करना, 1 में निकालने के बाद दोनों तरफ जितने में भी पूछा गया है उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि 15 में कितने जाएंगे भाई, सिंपली सोच सकते हो आप, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 15 = 30 केले आ जाएंगे भाई, 15 में कितने जाएंगे केले 30 केले आ जाएंगे। इसी तरीके से अपन इसको भी समझ सकते हैं कि अपन देख पा रहे हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई रेडियन भाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो मैं बोल सकता हूँ आप लोगों से क्या, मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ कि इसको अपन डिवाइड कर दें, अगर मुझे निकालना है कि 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो मैं क्या करूँगा इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मैं देख सकता हूँ कि 1 रेडियन में हाउ मेनी डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री भाई, 1 रेडियन में कितना 180 अपॉन पाई डिग्री, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप लोगों से कोई पूछे, अब देखो मैंने 1 रेडियन बता दिया, अब 1 रेडियन बता दिया तो आपको चमकना चाहिए कि अब मुझे कितने भी रेडियन में पूछा जाए मैं बताने में कैपेबल हूँ। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं आपसे पूछूँ भाई 30 यानी कि पाई बाई 3 रेडियन बताऊँ, पाई बाई 3 रेडियन बताओ कितनी डिग्री, तो आप इजीली निकाल सकते हो, आपने 1 रेडियन में निकाल लिया और पाई बाई 3 में निकालने के लिए कोई आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे पाई बाई 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे और इजी गोइंग आपका निकल जाएगा। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो रिलेशन यानी कि रेडियन से डिग्री में निकाल सकते हो। तो अभी अपन ने सीखा कि रेडियन से डिग्री में कैसे निकाला जाता है, यानी कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है। अब अपन बात करते हैं कि डिग्री से, ये तो किस में था भाई, रेडियन से अगर डिग्री में निकालना हो तो, ठीक है जी, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो कि वन, ये अपना बेसिक है, ये अपने को पता है तो फिर वो तो आसान है सबको निकालना। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो अपन देख पा रहे हैं कि अपन ने देखा कि 1 रेडियन में कितने आए 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसी तरीके से अपन ये भी निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, अपन देख सकते हैं क्या करेंगे। आपको 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो आप लोग देख सकते हो कि
कि 1 डिग्री के लिए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 180 को पाई से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो पाई अपॉन 180 रेडियन, अरे है कि नहीं, यानी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी, तो मैं देख लेता हूँ 180 में इक्वल 180 इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या करेंगे, 180 को पाई से डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा, डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्जन करना अपन ने सीख लिया भाई, डिग्री से रेडियन में भी अपन आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और ये अपने से पूछा जाता है, ये अपने को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नीट में क्वेश्चन आएगा कि बताऊं कि भाई पाई बाई थ्री में कितने रेडियन होते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं आएगा। या फिर ऐसा आएगा कि भाई 60 डिग्री में बताओ कितने रेडियन होते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा, तो है ना। आपको ये क्या करेगा, ये सब चीज़ें कहाँ हेल्पफुल होंगी, आपको आगे की जो फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनको समझने में हेल्पफुल होंगे अगर आपको ये सब पता होता है। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें बच्चे बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, और हल्के में लेने की वजह से उनकी पूरी फिजिक्स का जो डर होता है, जो फोबिया होता है फिजिक्स से, उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऐसा लगता है कि भाई नीट को क्रैक करना, IIT को क्रैक करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना बायो और केमिस्ट्री, बायो जितना रोल प्ले करता है उस, अगर आप बायो केमिस्ट्री भी कवर करते हैं नीट के लिए और फिजिक्स नहीं करते, अगर आप ऐसी सोच सकते हैं कि फिजिक्स बिना कवर किए ही आप आराम से नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट तो मान के भी ना चले कि सिलेक्शन हो सकता है बिना फिजिक्स के। ठीक है जी, तो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेते हो तो आपको काफ़ी आसानी से बाकी सब चीज़ें हैंडल कर पाओगे, समझ पाओगे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली पढ़ते हो तो। ठीक है, तो अब अपन इसके ऊपर कुछ रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आप लोग नोट कर लो सब कुछ, कि भाई जो भी मैंने अभी नोट किया वो सब नोट्स करते हुए चलना, जो भी मैं नोट करता रहता हूँ पोस्ट कर लेना, उसको नोट कर लेना। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले हो तो ले सकते हो, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप तुरंत की तुरंत नोट कर लो, बाद के भरोसे ना रहो। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप इधर से आसानी से रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना सीख सकते हो। बस आपको एक में पता है तो बाकी सब में निकालने के लिए क्या करना होता है भाई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप आगे अपन एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर, तो एग्जांपल की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। भाई रेडियन को किस में डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, और इधर इस वाली साइड में रेडियन से डिग्री से कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है जी, तो आपको ये सब आना चाहिए, ऐसा नहीं डिफरेंस देख रहे हैं, जो एग्जांपल्स लेंगे ना, तो एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो पाई बाई 3 रेडियन ले सकते हो आप, 2π/6 ले, 2π/8 ले लो, थर्ड π/7 ले सकते हो, फोर्थ 3π/8 ले लो, या फिर 3π/18 जो भी आपके दिल करे जो भी ले सकते हो, 3π/4 ले लेते हैं, फिफ्थ 9π/8 ले लेते हैं, 7π/3 ले लेते हैं। अगर आप लोगों को आइडिया है भाई कि यानी कि आपको पता है कि एक डिग्री में इतना रेडियन होता है और एक रेडियन में इतना डिग्री होता है, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी, तो 2π/9 ले लेते हैं। ठीक है जी, इतने काफ़ी, और इधर देख लेते हैं, पहले तो इनको सोल्व कर लेते हैं, ऐसा कर सोल्व, इधर भी ले लो 150 डिग्री ले लिया, 120 ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं, 720 ले लेते हैं, 450 ले लेते हैं, 1080 ले लेते हैं, 570 ले लेते हैं। ठीक है जी, 77 एग्जांपल मैंने ले लिए दोनों तरफ, आप लोग 2 मिनट के लिए पोज कर दीजिए और खुद से पहले सोल्व कर लीजिए, फिर अपन इसको देखते हैं ना।
चलो अब अगर बात करते हैं इसमें, देख लेते हैं सॉल्यूशंस इन लोगों का, आप लोगों ने सोल्व कर ही लिया होगा। तो अपन देखें पाई बाई थ्री में कितने डिग्री होते हैं। भाई रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना था, अपन जानते हैं कि एक रेडियन में क्या जानते हैं, एक रेडियन में कितने डिग्री होते थे, 180 अपॉन पाई डिग्री होते थे। अरे है कि नहीं भाई, 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री हुआ करता था। तो एक में अपने को पता है, पाई बाई थ्री में निकालना है तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे, दो होता है पाई बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब पाई बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, पाई बाई थ्री रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई थ्री। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में अपने में पढ़ा होगा, सिक्स में सिक्स से ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जोड़ यानी कि काटना वाटना, तो डिवाइड ठीक कितना आएगा भाई, 60 हो जाएगा सिंपली। 3 6 80, हाँ 6 × 18 आता है एंड 0, तो ऑब्वियसली बात है तो आप कर ही लोगे। तो पाई बाई थ्री रेडियन में, पाई बाई थ्री रेडियन में कितना डिग्री होगा भाई, 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो पाई बाई थ्री रेडियन में कितने डिग्री हो गए, 60 डिग्री हो गए। आगे अगर अपन बात करें तो 2π/8 की बात करें, तो देखो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए है, 2π/8 तो सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो पहले कि पाई बाई फोर लिखा होगा भाई, 2 4 8 भाई क्या हो गया, 2 4 8 हो गया, पाई बाई फोर हो गया। अब पाई बाई फोर हो गया, करो उसको वापस से मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो, मैं आपका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, करके देखना 45 डिग्री आएगा। ठीक है जी, अब पाई बाई सेवन बात करें तो अपन जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो पाई बाई सेवन की अगर बात करें, देखो आपको कोई जरूरी नहीं है कि अगर डायरेक्ट वो कट नहीं रहा हो, डिवाइड नहीं हो रहा डायरेक्टली, तो आप उसको इतना करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 7 लिया, तो हो सकता है कि डायरेक्ट उसको काट ना पाए, डिवाइड नहीं हो पाए, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो पाई से पाई कट गया, तो कितना आएगा ये, पाई बाई सेवन रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 7 डिग्री। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, जो भी आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फर्दर आप एग्जांपल कर सकते हो। अब 3π/4 की बात करें, 3π/4 की बात करें तो कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने बाकी सब किया है वैसे आप लोग इसको भी कर सकते हो, कि भाई 3π/4 की अगर बात करते हैं तो वही 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 3π/4 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू पाई, 3π/4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। इसकी बात करें तो 4 4 16 ऑफ कितना जाएगा, 45 × 3। तो 45 × 3 की बात करें तो 5 3 15 एंड 4 3 12 एंड 13, तो 135 डिग्री। ठीक है जी, 3π/4 रेडियन में भाई, 3π/4 रेडियन में कितने डिग्री हो जाएंगे, 135 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, शायद मुझे ज़्यादा लगता है इन सब में कोई दिक्कत आप लोगों को आ नहीं रही होगी। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट है 9π/8। तो 9π/8 की बात करें तो वही बात है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 9π/8 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 9π/8, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसको डिवाइड करें तो 4 2 8, 4 4 16, 4 5 20। ठीक है जी, और 45 × 9/2, तो जो भी होगा आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक सी कैलकुलेशन है और इतनी भी टफ कैलकुलेशन, जो इतना टफ भी नहीं है, अपना आसानी से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, 45 × 9/2। ठीक है, आगे बात करें तो 9π/8 का देख लिया अपन, 7π/3 देख लेते हैं। तो 7π/3 की अगर बात करें तो 7π/3 एक्चुअली में क्या होता है, 7π/3 की अगर बात करें तो क्या करोगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 180 अपॉन पाई इंटू 7π/3, 3 6 18 18 एंड 0, ये कट गया 420 डिग्री। ठीक है जी,
भाई 16 into 7 420, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7π/3 वाला। तो 7π/3 शायद अपन ने देख लिया अभी, है ना। हाँ 7π/3 शायद देख लिया। आप नेक्स्ट पे चलते हैं, 2π/9 पे। तो 2π/9 की अगर अपन बात करें तो इतने 6 तो मैंने सोल्व करा दिए, 2π/9 वाला आप ऐसा करना कि आप लोग खुद से सोल्व करना और इसका आंसर मुझे कमेंट में सेंड कर देना। और मैं आप जो भी कमेंट में सेंड कर देना, अगर कोई दिक्कत आई तो मुझसे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर लेना इस चीज़ के, ना। तो आगे बात करें तो अपन अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें आपको मैं कुछ रैंडमली 3-4 एग्जाम्पल इसी में ले लेता हूँ और फिर बाकी जो बच जाए उसको आप ऐसा ही करना, कमेंट कर देना इनके आंसर, तो मैं वहाँ पे देख लूँगा। और व्हाट्सएप पे आप इसके कमेंट कर सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, जो भी आप लोगों से है उसमें व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। तो अगर अपन यहाँ बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 150 डिग्री की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपने को रिजल्ट पता होना चाहिए, जो अपने बेसिक जो रिजल्ट देखे थे कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। अब अपने आप भी तो 2π/9 की बात करें तो आप लोग ऐसा करना, इसको आप खुद से सोल्व करना और कमेंट में इसका आंसर कर देना। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप नंबर भी उसमें दिए गए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, जो भी आप लोगों की इसमें क्वेरी हो। अगर फर्दर बात करें तो डिग्री से अपन को रेडियन में कन्वर्जन आना चाहिए। और इसके लिए अपने को वो दो रूल्स जो अपन ने बताए, जो अपन ने अभी रिजल्ट निकाले कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करने का तरीका, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन का और डिग्री से रेडियन में। तो अब अपन किस में देख रहे हैं, डिग्री से रेडियन में। और अपन ने देखा कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, ठीक है जी। तो अपने को सिंपली क्या करना है, इसमें 150 डिग्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 150 डिग्री इज इक्वल टू π/180 × 150। तो अपन देख सकते हैं ये उड़ गया इधर से, और ये क्या गया, 5 × 3 = 15 और 3 × 6 = 11, तो 5π/6 आ जाएगा। यानी कि 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना, हाउ मेनी रेडियन, 150 डिग्री इज इक्वल टू 5π/6 रेडियन, ठीक है जी। ऐसे अपन देख सकते हैं, 180 वाला देख लेते हैं। तो 180 डिग्री इज भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन है, तो क्या करेंगे, 180 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। और 180 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, अपन देख रहे हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू π/180 × 180 रेडियन। तो यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो अपन देख भी चुके हैं, ये रिजल्ट तो अपन ने निकाला ही था अभी, ठीक है जी। और एक और देख लेते हैं, 570 वाला देख लेते हैं लास्ट वाला, और बाकी जो बच जाए वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना इनके आंसर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो 570 वाले की बात करें तो 570 वाले की बात करें तो सिंपली क्या कर देंगे, 570 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो π/180 × 570, तो ये आ गया। और आप इसको फर्दर सोल्व कर लें तो फर्दर आप इसको सोल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इतना भी करके छोड़ सकते हो, ठीक है जी। आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना सा करना है जो भी रिजल्ट है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप इसको, और अगर ये डिविजिबल है किसी से तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो फर्दर इसको छोड़ सकते हो। वैसे 3 से डिवाइड हो रहा है शायद, है ना, तो इसको 3 से डिवाइड करके आप इसको फर्दर और एक्स यानी कि सिंपल से सिंपल इसका आंसर की सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक अपन ने देख लिया, और बाकी जो ये फर्दर क्वेश्चन जो बच गए 3-4 क्वेश्चन, आप इसका मुझे कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आगे अगर अपन बात करें तो अपना कितना सा पोर्शन कवर हुआ कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है जी। अब अपन आगे बात करते हैं किसकी, एंगल मेजरमेंट की। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पोर्शन अपन लेते हैं, एंगल मेजरमेंट, ठीक है जी। तो एंगल एंगल मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, एंगल मेजरमेंट की बात करें तो ज़रा ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है जी। किसका आइडिया होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपका आइडिया होना चाहिए। तो मैं अगर आप लोगों से बात करूँ तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट
ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, अब हम बात करें एंगल मेजरमेंट की कि एंगल को मेजरमेंट कैसे कैसे किया जाता है। और एंगल मेजरमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले ये क्या है भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो जो भी एंगल मेजरमेंट करेंगे अपन कहाँ से करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करेंगे। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, आप लोगों को ये तो पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, भाई घड़ी जैसे मूवमेंट करती है, घड़ी कैसे मूवमेंट करती है, घड़ी कैसे करती है इस तरीके से, भाई घड़ी का मूवमेंट कैसा होता है, जो घड़ी का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो हो गया क्लॉकवाइज, और इसके ऑपोजिट में मैं अगर बात करूँ तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि एंगल मेजर हमेशा कहाँ से किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यदि मैं कहाँ चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहाँ चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहा हूँ तो वो जो एंगल मेजर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव एंगल मेजर होगा, कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है जी, अगर मैं इधर से मान लो कि मैं 30 डिग्री का, सबसे पहली बात कौन सा पॉइंट नोट करना है कि जो भी एंगल मेजर करना है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करना है। दूसरी बात कि यदि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर कर रहे हो तो वह क्या होगा पॉजिटिव एंगल मेजर होगा, और यदि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट कर रहे हो तो वह नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं कि मान लो कि मैं यहाँ से 30 डिग्री घूम गया, किसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री घूम गया मतलब क्या हो गया प्लस का 30 डिग्री घूम गया ना, तो पॉजिटिव एंगल मेजर हो रहा है। अब अगर वैसे ही अगर मैं उल्टा अगर क्लॉकवाइज में बात करूँ तो कितना हो जाएगा -30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं मान लो कि सेकेंड क्वाड्रेंट ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, भाई ये किस इसको क्या बोलेंगे अपन 0 डिग्री, भाई एक्स एक्सिस की बात करें तो 0 डिग्री। ठीक है जी, अब 0 डिग्री फिर फर्दर क्या होगा, 0 से धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, यानी कि किसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड फर्दर 90, तो क्या हो जाएगा 90। इधर बात करें तो कितना हो जाएगा, फिर और आगे एक्सटेंड करें, ये यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से मैंने 90 के बीच में। अब सेकंड की बात करें तो 90 से स्टार्ट होगा एंड 90 से 180 के बीच में, थर्ड मतलब 180 से 270 के बीच में, एंड फोर्थ की बात करें तो 270 से 360 के बीच में। ठीक है जी, तो ये सब क्या हो रहा है पॉजिटिव एंगल मेजर हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अपन ने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर अपन ने कंप्लीट कर लिया तो फिर अब आगे से वापस जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। अब 360 के बाद अगर आपको बात करनी है तो 360 में क्या करो 90 और ऐड कर दो, समझ में आ रहा है, तो 360 में अगर 90 और ऐड कर दोगे तो फिर क्या जाएगा 450 आ जाएगा। भाई यहाँ पे क्या आया था 90 आया था, 90 डिग्री आया था, फिर दूसरे चक्कर में कितना आ रहा है 450 आ रहा है, यहाँ पे पहले चक्कर में कितना आया 180 आया, और अब क्या करेंगे दूसरे चक्कर के लिए 450 में क्या करेंगे अपन 90 और ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 450 में अगर अपन 90 ऐड करें तो 540 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके लिए क्या करेंगे, अपन ने देखा कि फर्स्ट जब अपने पहला चक्कर लगा रहे थे यहाँ पे क्या आ रहा था 270 डिग्री आ रहा था, तो दूसरे चक्कर में अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे 540 में 90 ऐड कर देंगे यानी कि 630 आ जाएगा, और 630 में फर्दर 90 ऐड करने पे क्या जाएगा 720। अब आप ऐसे चलते जाओ कितनी भी साइकिल कंप्लीट कर लो, बस करना क्या है इतना सा कि आपको 90 ऐड करते हुए चलना है, यानी कि जो 0 डिग्री पे जो वैल्यू आएगा किसी भी एंगल्स का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन अभी नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं, जस्ट बस इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही पढ़ेंगे, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे उनके जो 0 डिग्री पे जो वैल्यू आएगा वो कितने पे आएगा 720 पे आएगा, जो 90 पे आएगा वही 450 पे आएगा, जो 180 पे आएगा वही 540 पे आएगा,
और हो सकता है इससे आगे, यानी कि जो थर्ड साइकिल में, तो तीसरा जो अपन इसमें चक्कर पूरा करेंगे, तो तीसरे चक्कर में जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उसमें भी क्या आएगा, सेम वैल्यूज आएगी, सेम आंसर आएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनके क्या आएंगे, सेम आंसर्स आएंगे। समझ में आ रहा है? तो 180 हो चाहे 440 या फिर फर्दर अपन और भी एंगल्स ले सकते हैं इस एक्सिस पे, उन सब पे एंगल्स, रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ऐसे 270 630 में भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है जी। और आप लोगों ने भी पढ़ा है कि भाई अपन ने देखा कि 720 को अपन रेडियन में भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने किस में लिखा है, डिग्री में लिखा है। अगर मैं रेडियन में बात करूँ तो क्या लिखूंगा इसको, 2π रेडियन। भाई 720 को 180 अपन जानते हैं, 180 में कितना होता है भाई, 180 में पाई होता है, तो 360 में कितना होगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, पहले 630 आया था, जीरो के बाद 360 एंड 360 के बाद क्या आएगा, 720। भाई 270 में पहले अपने जीरो से स्टार्ट की थी साइकिल, जीरो से स्टार्ट करके 90 से स्टार्ट करके 180 के बाद 270 एंड 270 के बाद 360, फिर 360 में ऐड किया तो 450 में 90 ऐड किया तो 540, और 540 में 90 ऐड किया तो 630, एंड 630 में फर्दर 90 ऐड करने पे क्या जाएगा, 720 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और अपन ने देखा कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 360 डिग्री में 2π रेडियन है कि नहीं, तो 360 डिग्री में कितना रेडियन जाएगा, 2π रेडियन। ऐसे 420 में कितना जाएगा, 4π रेडियन आ जाएगा, है कि नहीं, और 90 में कितना जाएगा, पाई बाई 2। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये तो मैं अपने बेसिक नॉलेज से बता रहा हूँ कि भाई कितना जाएगा, पाई बाई 2। अगर आपको दिक्कत हो रही है निकालने में, तो आप बेसिक सा कंसेप्ट होगा जो मैंने सिखाया अभी, वो यूज़ करके निकाल सकते हो। ऐसे आप इसको भी देख सकते हो कि पाई कितना जाएगा, पाई, और ये कितना जाएगा, 3π, ये कितना जाएगा, 3π/2, और ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, 2π ऐड कर देंगे तो 2π 7π/2 हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी देख सकते हो कि कितना जाएगा, 5π/2, भाई पाई बाई 2 में 2π ऐड कर देंगे, क्योंकि भाई ये जो एंगल आ रहा है 90 में 360 ऐड करने में 4 भाई 90 में अपन क्या ऐड किया है, 360 ऐड किया, तो 90 में 360 ऐड करने में 450 आ रहा है, तो पाई बाई 2 में क्या ऐड करेंगे, 2π ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। ऐसे अपन इधर किया है, ऐसे अपन इधर कर सकते हैं, और ऐसे अपन और भी फर्दर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखते लिखते तो लिखते रहो फिर, ठीक है ना। तो दो साइकिल मैंने लिख दिए, बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो कि भाई कौन सा कहाँ पे एंगल आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो इसके बीच में अगर एंगल दिया जाता है आप लोगों से जीरो से लेके 90 के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 के बीच में होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे इन सब के बीच के जो अगर आपको एंगल दे दिए जाए तो आपको निकालना आना चाहिए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है कि थर्ड में आ रहा है कि फोर्थ में आ रहा है, या फिर एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि वाई एक्सिस पे आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है एंगल कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, यानी कि एंगल का पूरा आइडिया होना चाहिए कि एंगल मेजर कैसे किया जाता है, और एंगल जो हो रहा है वो पर्टिकुलर जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अपन ने देखा कि क्या क्या देखा अपन ने कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो क्या जाएगा भाई, पॉजिटिव एंगल मेजर होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं, तो नेगेटिव एंगल मेजर होता है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि ये सब एंगल कैसे किस तरीके से आ रहे हैं, ये जहाँ पे 0 डिग्री था फिर मैंने इसमें 90 ऐड कर दिया तो ये सब आ गए, ठीक है जी। तो अपन ने अभी देख लिया क्या, एंगल मेजरमेंट, ठीक है। जो मैंने अभी एंगल मेजर, देखो अभी मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, देखो उसका यूज आप लोगों ने देखा कि इसमें हो गया, इसमें अपन ने कर लिया कि डिग्री को रेडियन अपन लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं अभी जो ये पढ़ाया हुआ, फिर ये दोनों जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं अभी आप लोगों को कि एंगल मेजरमेंट और रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, जो मैंने अभी जो सब टॉपिक्स पढ़ाए हैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो जो टॉपिक जो पढ़ाए हैं आप लोगों को, छोटे छोटे जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उन टॉपिक्स का यूज अब जो थर्ड टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उन दोनों में ही होएगा, और वो जो टॉपिक है वो है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अपन बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10th क्लास में काफ़ी अच्छे से, अगर आप लोगों 10th क्लास की मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, 6
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं लिख देता हूँ हेडिंग क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक। जो भी मैं आप लोगों को बताए जा रहा हूँ, जो भी मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, वो सब आप लोग नोट्स बना ले तो आप लोगों को रिवाइज करने में ज़्यादा आसान नहीं रहेगी और आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी फ्यूचर में, ताकि आप लोगों के पास नोट्स रहेंगे तो आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ट्रिग्नोमेट्री अपन जान चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, फंक्शन आप लोग जानते होंगे। फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग फंक्शन अभी सिर्फ इतना सा समझिए कि फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली में फंक्शन के लिए आप सिर्फ इतना सा समझिए कि फंक्शन में अगर आप क्या करोगे, अगर आप कुछ इनपुट डालोगे, फंक्शन एक पर्टिकुलर आप मान लो कि फंक्शन एक टाइप की क्या होती है, मशीन होती है। क्या मान लो फंक्शन को, एक तरीके से एक मशीन मान लो कि फंक्शन एक पर्टिकुलर क्या होती है, मशीन होती है, जिसमें यदि आपने कुछ इनपुट डाला है, जिसमें यदि आपने कोई इनपुट डाला है तो वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगी। तो फंक्शन एफ मान लिया मैंने, और इस फंक्शन एफ मैंने इनपुट क्या डाला, एक्स डाला, तो उसने आउटपुट क्या दिया मुझे, एफ एक्स दिया। समझ में आ रहा है? तो इनपुट एक्स डाला तो आउटपुट क्या मिल गया मुझे, एफ एक्स मिल गया। जैसे अपन देखते हैं कि वाई बराबर, जैसे आप लोगों को पता है कि भाई साइन 30 डिग्री, जैसे मैंने साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज द फंक्शन, और उस साइन थीटा में जब मैं थीटा 30 डिग्री डाल रहा हूँ, इनपुट क्या डाल रहा हूँ, साइन थीटा के अंदर थीटा 30 डिग्री डाल रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो मैंने जब थीटा इनपुट क्या डाला, एक फंक्शन था क्या साइन थीटा, उस साइन थीटा में मैंने थीटा क्या डाला, 30 डाला, तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, वाई क्या क्या मिला, 1/2। तो अपन सिंपली तरह समझ सकते हैं फंक्शन के बारे में, फंक्शन एक क्या होती है, मशीन होती है, जिसमें आप कुछ ना कुछ इनपुट डालोगे तो आपको क्या देगी, कुछ ना कुछ वो आउटपुट देगी। और यहाँ पे अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अगर साइन थीटा क्या होता है, फंक्शन होता है, और उस फंक्शन में यदि मैंने थीटा क्या डाला, 30 डिग्री डाला, तो आपको आउटपुट क्या मिल गया, 1/2। ये आपको वैल्यू याद होगी कि साइन 30 कितनी होती है, 1/2। अगर याद नहीं है तो अपन अभी देख लेते हैं ना, ये सब देख लेते हैं। तो मैं बस बेसिक्स आपको बताना चाह रहा था कि फंक्शन क्या होता है, कि आप लोगों को इनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे वर्ड्स के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब अपन जानते हैं, फंक्शन का मतलब अपन जान गए हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, या फिर आप पोज करके सोच सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो आप लोग सोच सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे 10th क्लास में। तो अगर अपन बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं भाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और साइन का उल्टा बोले तो कोसेक थीटा, टेन का उल्टा बोले तो कोट थीटा, एंड कोस का उल्टा बोले तो सेक थीटा। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फोर्थ क्या होगा इसका, 1/sin थीटा कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, कोसेक थीटा। ऐसे सेक थीटा होता है, ऐसे ही कोट थीटा होता है। तो इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब इनके बारे में अपन जानते हैं, जान लेते हैं कि कैसे कैसे वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज के बारे में अपन जान लेते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यूज अपने बहुत काम की वैल्यूज हैं, जो अपने काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप लोगों के लिए टेबल बना लेता हूँ, जिससे आप समझ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को। या फिर टेबल बनाने के लिए आप लोग 0 से 90 की वैल्यूज तो आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। अब अपन ये तो आप 10th क्लास तक पढ़ लेते हो भाई, 0 से लेकर 90 की वैल्यू आप लोगों को पता होती है कि भाई 0 पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 45, 60 एंड 90 पे जो भी ये 6 फंक्शन मैंने लिखे थे इनकी वैल्यूज क्या होती है। लेकिन फिर भी यदि हो सकता है कुछ साथ बच्चों को नहीं पता हो तो मैं उनको लिख देता हूँ, लेकिन वो वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि उन वैल्यूज से ही अपन 90 से अबव वैल्यू के लिए, 90 से अबव वैल्यू के लिए भाई, अबव 90 से ऊपर वाली वैल्यू, जैसे कि मैं बोलूँ कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोगों को वो निकाल पाओगे। कब निकाल पाओगे, जब आपको क्या पता होगा, पहली बात तो कि क्वाड्रेंट के बारे में पता होगा, एंगल मेजरमेंट के बारे में पता होगा, साथ ही साथ आप लोगों को
जीरो से लेकर 90 डिग्रीज की वैल्यूज याद होंगी, तो आप लोगों के लिए वो निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों के लिए पहले जीरो से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज बना देता हूँ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है जी, तो मैं साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और जो टेन थीटा है इनकी जो वैल्यूज है वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, 60 एंड 90। ये देखो, ये आपको बेसिक ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर साइन 0 पे बात करें तो साइन 0 डिग्री कितना होता है भाई, साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 पे कितना हुआ, √3/2 एंड साइन 90 इज 1। इसी तरीके से कोस थीटा क्या जाएगा, 0 पे 1, इसका इस तरीके से 60 पे होगा वो 30 पे होगा, यानी कि √3/2, 45 पे सेम वैल्यूज होती है, जो साइन 45 की होती है वही कोस 45 की होती है, और जो साइन 30 की होती है वो कोस 60 की होगी। देखो, इन सब के लिए हो सकता है कि आप लोगों को 10th क्लास में कुछ आप लोगों ने ट्रिक्स वगैरह पढ़ी हो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ट्रिक्स वगैरह से ज़्यादा अच्छा है कि अपन इनको बिल्कुल ब्रेन में फिट कर ले, कि जैसे अपने को कोई पूछा नहीं कि अपन ट्रिक पे ना जाए, अपन सीधा आंसर दे कि इसका वैल्यू ये होगी, इसका वैल्यू ये होगी। ठीक है जी, तो इन सब में ट्रिक की इतनी आवश्यकता आप लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए, आप लोगों को आवश्यकता इस चीज़ की पढ़नी चाहिए कि आप लोग इसको बार बार देखो, अगर ये आपके ब्रेन में फिट नहीं हो रहा या फिर ब्रेन में कैच नहीं हो पा रहा, तो आप लोग इसको बार बार देखो और इसको अच्छे से सीख लो। ठीक है जी, और अगर टेन थीटा की बात करें तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अपन कोस थीटा अपन जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा होता है। और अगर आप लोग इनको ये सब नहीं जानते कि भाई साइन थीटा को अपन कोस थीटा टेन थीटा होता, तो इसके लिए भी अपन अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो देख लेते हैं। तो क्या जाएगा, 0 जाएगा, और ये कितना जाएगा, 1/√3। बस सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देना है भाई, साइन थीटा अपन कोस थीटा है तो 1/√3/2, तो क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, इधर 1/√2/1/√2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और ये 1/0 क्या हो जाता है भाई, देखो 1/0 जीरो नीचे कभी जीरो नहीं होता, अगर नीचे कहीं भी जीरो आ जाए तो चीज़ का कोई डिफाइनिंग नहीं है। ठीक है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, 1/0 इज द नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन या फिर अपरिभाषित। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। तो अपन ने देख ली कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्रीज पे, ये सब अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको पता होना जरूरी है, ये आप लोग याद रखें। ठीक है, अगर आप लोगों को ये याद रखे तो अपन जैसे 120 डिग्री पे निकालना सीखेंगे, यानी कि इससे आगे की तरफ निकालना जो सीखेंगे वो आप लोगों को आसानी से निकाल पाओगे अगर आपको ये याद है, और साथ ही साथ आपको ये याद है कि एंगल्स वगैरह जो होते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, अगर ये आपको पता है तो फिर आप लोग इनको आसानी से वो सब वैल्यूज निकाल पाओगे 90 डिग्री से अबव की। ठीक है जी, तो अपन ने देखे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के अभी अपन ने वैल्यूज देखे थे 0 से लेके 90 डिग्री के लिए, और जो वैल्यू साइन थीटा के लिए आ रही थी उसके आप उल्टा कर दोगे, यानी कि साइन 0 पे क्या होता था, 0 होता था, तो कोसेक जो 0 पे होगा क्या होगा, कोसेक थीटा जो है वो 0 पे क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। अपन ने देखा कि साइन थीटा जो है वो 0 पे क्या आ रहा था, साइन 0 क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, लेकिन कोसेक 0 क्या आएगा, 1/0 आएगा, 0/1 है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, वो अपन अभी देख लेते हैं ना। तो उसका उल्टा होगा तो क्या जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि कभी नीचे जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, अगर नीचे कभी जीरो आ जाता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है जी, तो अपन बात करें तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, या फिर अपन इसको और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो अपन इसको और डेप्थ में समझ लेते हैं थोड़ा। तो मैंने ट्रायंगल की जगह क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। ठीक है जी, और सर्कल ले लिया, सर्कल की रेडियस क्या ले ली, मान लिया आर, और मैंने किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा पे, पार्टिकुलर एंगल थीटा पे अगर मैं बात करूं तो ये जो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या डाल रहा हूं, इस एक्स एक्सिस पे, इसके ऊपर एक्स एक्सिस मान लेते हैं,
इस एक्स एक्स में क्या डाल दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या बन गया, ये तो रेडियस है, लेकिन ये कंप्लीट रेडियस है, इसको रेडियस मत बोल देना। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये थीटा के ऑपोजिट वाली साइड हो गई भाई। जो थीटा जो एंगल है उससे क्या हो गई, ऑपोजिट वाली साइड हो गई। ये थीटा की क्या हो गई, एडजेसेंट वाली साइड हो गई, यानी कि आजू बाजू की साइड, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, परपेंडिकुलर। इसको फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये क्या है बेस, ये जो ट्रायंगल है इसका क्या है, ये जो जो ट्रायंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है ट्रायंगल का, इसका क्या है, ये बेस है, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। या फिर अपन इसको चाहे तो अलग से भी इसको रिप्रेजेंट, अलग से मैं इधर आपको बना देता हूँ, आपके लिए बना देता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया भाई, ये बेस हो गया, एंड ये परपेंडिकुलर हो गई, और ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी, पाइथागोरस थ्योरम बोलती थी, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, और ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हिंदी में बोले तो पाइथागोरस प्रमेय। भाई परपेंडिकुलर को अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं, लंब बोलते हैं, करण नहीं लंब, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, पहले एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ, और एच स्क्वायर से डिवाइड करने पे मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या बन जा रहा है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसको यानी कि एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये वन हो जाएगा। अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि भाई साइन थीटा क्या होता है, भाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे करण। इसी तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और वो क्या होगा, एच अपॉन पी। तो अपन लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। इसी तरीके से टेन थीटा पी बाई बी होता है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, तो कोट थीटा हो जाएगा क्या, एच कोट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, ठीक है जी। तो अपन ने देखा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। तो ये सब आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि सब ये होता है, ठीक है। और अपन ये भी लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप इन दोनों से देख सकते हैं कि भाई ये रिलेशन और इस रिलेशन से देख सकते हैं कि मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। और आप चाहो तो आप एक स्टेप आगे और कर सकते हो क्या, कि सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अपन ये भी तो लिख सकते हैं वन, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको उधर, ऐसे इसको भी कर सकते हैं कि भाई कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, एंड टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वन, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन। अब इन रिजल्ट्स का अपन यूज कर सकते हैं किसमें, ये जो अपने रिजल्ट्स निकले हैं इन सब का अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर। भाई अपन ने देखा कि पी बाई एच, आप इन वो जो अपन ने जो रिजल्ट्स निकाले हैं, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे करण, तो लंब बटे करण क्या हो रहा है, साइन थीटा। तो मैं देख ले सकता हूँ ये क्या है, पी बाई एच का होल स्क्वायर है,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भाई। बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और पी बाई एच क्या है? साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, सिंपली। और ये क्या है? बी बाई एच क्या होगा? देखो यहाँ पे कोस थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? वन हो गया। ये अपने एक रिजल्ट निकल के आ गया जो कि आप लोगों को याद रखना है और याद होगा भी। तो इसको निकाल अपन इस तरीके से सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है। इसी तरीके से अपन आगे भी देख सकते हैं। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ ना कि भाई अब मैंने बोला आप लोगों को कि अपने को तीन बार करना है क्या, कि एक बार तो एच स्क्वायर से कर दिया मैंने एक बार, अब चलते हैं बी स्क्वायर से कर देते हैं, ठीक है जी। अब जब मैं इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, जब मैं इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो आप लोग देख सकते हो क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया? वन। अरे हुआ, हो गया ऐसे भाई, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सिंपल सी बात है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो सबको आती होगी भाई। ऊपर नीचे टू अपॉन टू क्या होता है? वन। जैसे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो जिन बच्चों का ये सब पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों को ये सब यानी कि अच्छे से आता है, आप लोग इतना कर सकते हो कि इसको थोड़ा एक बार पूरा लेक्चर देख सकते हो, और भी फास्ट स्पीड से देख सकते हो, ताकि आप लोगों को छूटे ना। हो सकता है कुछ सारी चीज़ें आपकी मिस हुई हो, तरीका मिस हुआ हो, पढ़ाई पढ़ने का तरीका मिस हो गया हो, तो वो सब आप लोग देख सकते हो, थोड़ा फास्ट स्पीड में देख सकते हो। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे अभी 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, वो सब इसको काफ़ी अच्छे से देखें, और बार बार देखें अगर समझ में नहीं आए तो, ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट इससे मिल सके, और आपके फर्दर चैप्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले फर्दर चैप्टर में इन सब चीज़ों का, ठीक है जी। तो पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी अपन देख रहे हैं भाई, यहाँ पे अपन रिजल्ट लिख चुके हैं कि पी अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। पी अपॉन बी का होल स्क्वायर है, जैसे अपन ने इसको लिखा, ये क्या लिखा? पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। पी अपॉन बी अपन जानते हैं कि क्या होता है? टेन थीटा होता है भाई, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया भाई, हुआ कि नहीं हुआ? तो टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, एंड वन, वन तो है, इज इक्वल टू एच अपॉन बी। B अपॉन H क्या होता है? कोस थीटा होता है। अरे भाई B अपॉन H क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन B हो जाएगा, सिंपली इसका उल्टा। cos थीटा यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन sec थीटा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन B। तो अपन क्या लिख देंगे इसको? H अपॉन B का होल स्क्वायर, जैसे इसको लिखा, तो क्या जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। तो अपन जान सकते हैं, एक और रिजल्ट निकल के आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साथ ही साथ नेक्स्ट रिजल्ट एक और देख लेते हैं कि जो अपन ने जो थ्योरम थी इसमें अपन क्या करें? अब अपन ने एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, अपन ने बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब जो मैं थ्योरम जो मैंने मिटा दी अभी, उसको आपको क्या करना है? पी स्क्वायर से एक बार और डिवाइड कर देना है, और जब आप इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को आप पी स्क्वायर से जब आप डिवाइड कर दोगे, तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा? ये वन आ जाएगा भाई। पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या जाएगा? वन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। देखो बच्चों की हर चीज़, जैसे कि मैं स्टेप बाई स्टेप लिख रहा हूँ, ये सब उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ऐसे यानी कि 10th से 10th 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे ये सब चीज़ें, जैसे कि मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, इनको थोड़ा मैं अवॉइड करूँगा, ताकि आप लोग अपने दिमाग से सोच सको, क्योंकि हर कुछ चीज़ ऐसे लिखी जाए कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो मैं आगे आगे अवॉइड करता रहूँगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये फ्रेशर जो बच्चे होंगे उनके लिए देखने में आसानी रहे, इसलिए सभी चीज़ें मैं फुल डिटेल से लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो वन इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अपन देखें बी अपॉन पी, भाई देख चुके हैं बी अपॉन पी क्या होता है? कोस थीटा होता है।
तो b अपॉन p क्या होगा भाई, p अपॉन b tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा होता है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और एच अपॉन पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई लंबा बटे करण क्या होता है साइन थीटा होता है, तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैं क्या ले सकता हूँ इसको, मैं हटा के इस तरीके से ले सकता हूँ, तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आ गए, ठीक है जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तीन अपन ने रिलेशन निकाले, ठीक है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो कि मैंने अभी मिटा दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकाला वन निकाला, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा निकाला, और साथ ही साथ वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा निकाला। अपन ये सब वैल्यूज देख, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन क्या होता है, कोसेक सेक एंड कोट क्या होता है, ये सब भी अपन ने देखा। अपन ये भी देख चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा वन होगा, कि भाई कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इंटू अगर इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो क्या जाएगा वन आ जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो क्या जाएगा वन आ जाएगा, इसी तरीके से टेन थीटा इंटू कोस थीटा भी क्या जाएगा वन आ जाएगा। तो आज जो अपन ने लेक्चर देखा उसमें अपन ने क्या क्या देख लिया, उसमें अपन ने देख लिया कि डिग्री और रेडियन को में डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है, अपन ने डिग्री से रेडियन में निकालना और रेडियन से डिग्री में निकालना देखा। दूसरा अपन ने देखा कि एंगल को कैसे मेजर्स किया जाता है, एंगल मेजरमेंट का करने का तरीका देखा कि अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपन ने देखा कि पॉजिटिव एंगल मेजर होता है, और अगर पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव एंगल मेजर होता है। और फिर थर्ड पॉइंट अपन ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, और उसमें अपन ने सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, उनमें अपन ने जीरो से लेके 0, 30, 45, 60 और 90 की जो बेसिक अपने जो रिक्वायरमेंट होती है उन सब की अपन ने देखा कि ये सब क्या वैल्यूज लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इन सब का अपन ने वैल्यूज देखा। आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर अपन आगे जो 90 डिग्री से अबव वाली जो वैल्यूज है जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो आप लोगों को याद रखना बहुत टफ हो जाएगा, निकालना बहुत टफ हो जाएगा। अगर आपको इनको अच्छे से याद रखते हो तो सब निकालने के लिए आपको काफ़ी आसानी रहेगी। और साथ ही साथ अपन ने ये इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए अपन ने कुछ रिलेशन देखे, यानी कि कुछ इक्वेशंस निकाली है, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस निकाली है जो कि आप लोगों को याद होना जरूरी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि भाई ये 90 डिग्री से अबव वाली वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास देखेंगे जो कि अपने लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप यानी कि बेसिक मैथ के बाद क्या पढ़ना चाह रहे हैं, मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी पूछा था, जो मेरा 10 मिनट्स का जो लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था कि बेसिक मैथ से पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि यानी कि आप डिस्कवर्ड इन्वेंटेड थोड़ी बेसिक फिजिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को नॉलेज दी। तो आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों से सजेशन ली है कि आप लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहोगे बेसिक मैथ्स के बाद में, कि कौन सा लेक्चर पढ़ना चाहोगे, तो आप लोग मुझे सजेशन ज़रूर दें कि सर हमें ये सब लेक्चर्स यानी कि ये सब चैप्टर्स अभी पढ़ने, सबसे पहले ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूँ, थैंक यू।